स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुस्कान फिल्म्स में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली खान। आज हम आपको दिखाते हैं लाडनू के नव निर्वाचित विधायक मुकेश भाकर। कांग्रेस से जो विधायक है मुकेश भाकर पहली बार विधायक बने हैं। पहली बार विधायक बनने के बाद आज वो लाडनू पधारे और लाडनू पधारने के बाद एक रैली निकाली उन्होंने, धन्यवाद यात्रा रैली, जो तेली रोड से शुरू होकर पूरे मार्केट में व्यापारी मंडलों से मिलते हुए सब्जी मंडी, गांधी चौक सब्जी मंडी पहुंचे और वहां पर गांधी जी की मूर्ति को माला पहनाकर धन्यवाद यात्रा में हमारे बीच में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास जी पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व में प्रत्याशी रहे बड़े भाई लियाकत अली जी, कांग्रेस के नेता वरिष्ठ नेता खेमाराम जी, रामदेव जी भारी, अयूब जी और पन्नालाल जी भामू जिला परिषद सदस्य, शंकर आकाश जी और हमारे साथ चल रहे सारे सरपंचगण, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्षदगण और यहाँ पधारे सारे बड़े बुजुर्ग और युवा साथी, सबसे पहले आज इस धन्यवाद यात्रा का समापन गांधी जी की मूर्ति पर गांधी चौक पर करके इस लाडनू को एक संदेश देने का और संदेश लेने का ये समय है कि जो गांधी जी ने हम लोगों को एक सीख दी कि आपसी भाईचारा धर्मों के नाम पर आपस में नहीं बंटकर, उस संदेश को लेकर आज की धन्यवाद यात्रा का समापन हमने यहाँ रखा है और इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा लाडनू की जनता का, 36 कौम के लोगों का, सभी धर्मों के लोगों का कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा मिथ था, एक बहुत बड़ी चुनावों में एक अफवाह चलती थी कि कांग्रेस पार्टी शहर से हमेशा हार के निकलती है, लेकिन इस बार आप लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी को मुझे यहाँ से जीता कर भेजा इस शहर में, उसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मंच से यही बात कह सकता हूँ कि मैं मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी और जो जितने नेता इस मंच पर खड़े हैं, जितने लोग कांग्रेस पार्टी के आज यहाँ नहीं है, हम सब लोग मिलकर मुद्दों की राजनीति इस लाडनू में लाने का संकल्प हमने चुनाव में लिया था कि हमने कहा था कि धर्म की राजनीति से, जाति की राजनीति से ऊपर उठकर इस लाडनू का विकास कैसे हो पाए। हमने ये कहा था कि इस लाडनू में जो अराजकता है, इस लाडनू में जो व्यापार ठप है, वो कैसे ठीक हो पाए। इन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा, बेरोजगारी के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा, किसानों की ऋण माफी के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही सारे काम शुरू होना इस सरकार में हो चुके हैं और मैं इस मंच से यही भरोसा आप लोगों को दिला सकता हूँ कि 5 साल आप लोगों के बीच में रहकर जो वादे आप लोगों से करे, जिस तरीके के व्यवहार की आप लोग अपने विधायक से उम्मीद करते हो, जिस तरीके के वाजिब कामों की आप लोग अपने विधायक से उम्मीद करते हो, पूरे 5 साल आप लोगों के बीच में रहकर, क्योंकि जब चुनाव के समय आप लोगों के बीच में आए थे तो हमने ये कहा था कि एक मौका आप कांग्रेस पार्टी को हमें देकर देखो और उसके बाद मूल्यांकन आप लोग 5 साल बाद जो काम हम लोग कराए, जिस तरीके से आपके सुख दुख में शामिल हो सके, तब आप लोग करना। मैं धन्यवाद आप लोगों का देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गैर राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद और ना बहुत बड़ा पैसा मेरे पास था, फिर भी आप लोगों ने भरोसा करके मुझे आपकी विधायक के रूप में आप लोगों ने बनाया है। हमेशा 5 साल आप लोगों के बीच में रहकर उन मुद्दों को, उन बातों को और आपके सुख दुख में, विकास में शामिल होकर अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश पूरे 5 साल आपके बीच में करूंगा। उन्हें सारे नेतागणों का, यहाँ के व्यापार मंडल का, जितने जनप्रतिनिधि यहाँ लोग चल रहे हैं, मेरे मीडिया के बंधु जिनका सहयोग इस लाडनू के चुनाव को एक स्वच्छ चुनाव बनाए रखने में रहा, उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक भरोसा इस मंच से दिला रहा हूँ कि पूरे 5 साल मेरे घर, मेरे ऑफिस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले, जिस काम के लिए, जिस वाजिब काम के लिए आप लोग आओगे, तुरंत और प्राथमिकता से उस कार्य को कराने की कोशिश में मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारा पूरा संगठन करेगा। सब लोगों का धन्यवाद।